गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं विकी आचार्य, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी आचार्य ब्लॉग्स। और दोस्तों, आज सुबह से ही आज फिर से वही गीरा हवा चली है, और आज काफ़ी प्रचंड रूप में चली है, बहुत ख़तरनाक चली हुई है। सुबह मतलब मैं उठने वाला नहीं था बिस्तर से, लेकिन जो हवा की आवाज़, ये चद्दर वगैरह जो आसपास जो चीज़ें उड़ रही होती है उनकी आवाज़ से मुझे उठना पड़ा मजबूरी से, और उसके बाद नींद भी नहीं आई। इतना डर लगता है इस हवा में कि पूछिए मत। कहीं जाना होता है आसपास तो पहले ये देखना पड़ता है कि आसमान में कोई कुछ ख़तरनाक चीज़ उड़ तो नहीं रही है इस हवा से। तो दोस्तों, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर में मुझे निकलना है मनाली के लिए। पहले अभी फ़िलहाल खाना नहीं खाया, खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे मनाली के लिए। आज गुन्नू और मेरी वाइफ घर आ रहे हैं, तो उनको मनाली से लेने, मुझे मतलब मनाली से घर ले आना है। तो पहले मनाली जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा चेकअप भी करवाना है वाइफ का, तो वो भी करवा देंगे, उसके बाद घर आएँगे। तो देखते हैं, अब चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी काम। अभी माता जी नहीं आए पूजा करने, तो बंद ही है अभी मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए नीचे चलते हैं। आज तो इतनी ठंड भी नहीं है, तब भी पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हुई थी, ऐसा लग रहा है जैसे जम गई है अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, काफ़ी देर हो गई इसको गर्म करते करते। गुन्नू ने हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी पिकनिक बनाने का पूरा इरादा रखती है। देखिए दुकान नहीं ढूंढ रही है। कितने का लिया? 10 पिन ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा है दोस्तों, सारे के सारे जो पूरी दुनिया बीमार हो गई है, पूरी दुनिया यहाँ पहुँच गई है। आज सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और फाल्गुनी जी का चला हुआ लंच, अभी लंच ब्रेक है इसका। थोड़ी देर का ब्रेक लेकर हम आए माल रोड पे दोस्तों, वहाँ पर लंच टाइम हो गया हॉस्पिटल में। तो गुन्नू को लेकर बाहर आया हूँ मैं, इसको आइसक्रीम खिलानी है मैंने। खानी की नहीं खानी? खाने दो यार, मेरा ऑप्शन का खाई सारी तुम खानी दे। दिन के 12 बजे से हम बैठे थे दोस्तों लाइन में लगकर, और अभी 4:30 बजे फारग हुए हैं। अभी जाके अल्ट्रासाउंड हुआ, उसकी रिपोर्ट आई और चेक करवा दिया, फिर दवाई वगैरह लेकर हम बाहर निकले। अभी अब जाएंगे हम थोड़ी देर माल रोड, वहाँ देखते हैं, अब घूमना फिरना अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो चलेंगे घर की तरफ। यह मनाली का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दोस्तों, यहाँ पर 2 साल मैंने पढ़ाई की है, +1 और +2 की, और इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल भी है। जाओ आगे बैठना हो तो इन दोनों को भेज दिया मैंने आगे दोस्तों, यहाँ चलान भी हो जाता है। करेंगे बाइक शुरू, चलते हैं। थोड़ा सा आगे आके मैं बैठ गया हूँ, अभी आ रहे हैं गुन्नू और उसकी मम्मी आ रही है। पीछे ऐसा होता है कि चौक है, मेन चौक है, तो चलान होने का डर रहता है, क्योंकि उन दोनों के पास हेलमेट नहीं है, और 3 तो ऐसे भी अलाउ नहीं करते आज के बाइक पे। तो थोड़ा आगे आगे बैठ गया हूँ, इससे आगे कोई खतरा नहीं है। फिर
जल्दी करना छिटी नीचे कर मंदिर मेन मंदिर क्या था तो ठीक है नहीं तो रुक जाना पहन ले महिला मनाली और वशिष्ठ का हिसाब किताब आजकल एक ही हो गया है, काफ़ी रश हो गया वशिष्ठ में भी। मनाली में हालांकि स्पेस तो है काफ़ी घूमने को, लेकिन वशिष्ठ तो बहुत तंग जगह हो गई और क्राउड ज़्यादा हो गया, बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। अब आते आते टाइम में जो आने वाला टाइम है उसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होगी, टूरिस्ट सीज़न जब चलेगा तब तो बाबा रे गुन्नू पहुँच गई ऊपर। हाय क्या हो रहा है, ये क्या लंच हो रहा है? हाँ। ये कौन सा टाइम है? खाने का। हाय कद्दू, कद्दू की भाजी, कद्दू की भाजी बनेगी आज, सब तो ना मेरे शुक्र है। ये लो जी पहुंच गए हम, पहुंच गए दोस्तों घर में, तो चेंज कर लेते पहले। वो चाचा जी लकड़ियां काट रहे हैं अपनी गाय के पास जो बची हुई है, सेब की लकड़ियां वो काट रहे हैं। क्या क्या डमरू जा ले, डमरू जा नहीं रोटी गोल गोल है यार, चलो अब ठीक हो जाएगा, गुन्नू को ही देंगे रोटी बनाने को, ये बनाया करेगी। देख वाला इधर देख, ओके गाइस अभी मैं पहले गुन्नू को मना लेता हूँ, बहुत नाराज़ है, एक मेरे से एक फटका खाया है इसने अभी रो रही है, तो अब मैं इसको थोड़ा मनाता हूँ, तब तक आप करिए रेस्ट, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक गुड बाय।